अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज उठते उठते 12 बजे, खतरनाक टाइम हो गया आज, और नहीं टाइम हो तो अभी जल्दी से रूम जो है उसको मसाई कर दूँ। बेगी ने भी खाना नहीं खा। और गाइस, आज फिर इमोन जो है वो गया है बाहर पासपोर्ट के चक्कर में, तो सुबह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उठी थी मैं, फिर मैं सो गई। तो इमोन अभी तक आया नहीं है, आए तो पूछूंगी पासपोर्ट का क्या काम हुआ। कुछ सुनने में आया है कि पासपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा है, पैसे वैसे भी दे दिए पासपोर्ट के लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बड़े कॉम्प्लिकेशन है यार, क्या करें, अल्लाह आसानी करे, दुआ करना। और ये जो दो बैग्स हैं वो आज इसकी पैकिंग भी करेंगे, तो जल्दी से मैं बस ये वाला काम कर लूँ पहले। तो गाइस, वीडियो जो है वो अपलोड पे रख दी है, बस 3 बजने वाले हैं और आज मैंने नाश्ता ना लेट किया था ना, इसलिए मेरा लंच करने का दिल नहीं कर रहा। और गाइस, इमोन भी आ गया। इमोन, काम हुआ तुम्हारा? यार नहीं हुआ आज। इमोन के साथ सीन हो गया, खराब खराब एक्सपीरियंस हुआ, शेयर भी नहीं कर सकते। क्या करें, स्किप कर दी, पर्सनल बात। पासपोर्ट भी नहीं मिला, पैसा रिफंड भी नहीं हुआ। यार अभी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ट्राई करने के अलावा, पैसे तो गए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे वापस आए कैसे मिले। तो अभी जस्ट मैं वीडियो अपलोड के लिए बैठी हूँ, उसके बाद मैं और इमोन बाहर जाएंगे, आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि कल हमारा ट्रिप है। तो आज जो ट्रिप है ना, उसकी सारी बैग की पैकिंग वगैरह करनी है। और हम कहाँ जा रहे हैं गाइस, कमेंट्स मेरे वो करो, गेस करो। तो गाइस, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, सबसे पहले बैंक जाएंगे, कुछ कैश आउट करेंगे क्योंकि कल जा रहे हैं ट्रिप पे। और उसके अलावा मैंने ये वाली ड्रेसिंग की है, आज मैंने बस कोट पहन लिया ये वाला, क्योंकि बांग्लादेश में मतलब ढाका में, बांग्लादेश के और एरियाज में तो ठंडे, ढाका में ठंडा गई है ढाका में। तो चलो इमन, तुम भी कोई गरम गरम पहन लो। हाँ लिया लिया। क्या पहना? इधर जैके उल्टा उल्टा चल गया जैकेट है। हम बाहर जा रहे हैं, ये राना भाई है माँ आपके साथ। और क्या बोल रहे थे? इसका 1000 फॉलोअर है, पता है तू कितना फेमस है? फेमस है 1000 फॉलोअर, लोग मिलने आते हैं। इन्फ्लुएंसर कुत्ता, पहला इन्फ्लुएंसर कुत्ता बांग्लादेश का। ओह, इसको भी घर से निकलते ही इतनी गंदी वाली खुजली हो रही है गले में, इतना ना सिर्फ पानी लेना पड़ा, नहीं तो पानी में लेके आती अपना। वैसे रास्ते में पीती नहीं इतना, लेकिन कुछ हो गया, एक दो पानी खोल के दो यार। आपको होता है ऐसा कभी? बहुत लोगों, मतलब मुझे कभी कभी ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों, गंदी वाली खुजली, आंखों से आंसू निकल आते हैं और है ना। तो हमें ना कुछ चाहिए गरम गरम, जैकेट या कोट वगैरह, तो अभी जा रहे हैं वही लेने। और मैं खरीद वरीद के फिर घर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ है, तो इधर ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी मैं। अभी हम लोग ना सामान लेके घर आ गए, सामान रख लिया। एमा को राना भी अलग से निकले थे, मैं और इमोन अलग से, लेकिन मिल गए एक साथ, घर आ गए एक साथ। अभी फिर से मैं, इमोन और राना भाई जा रहे हैं, मैगी को भी वॉक कराएंगे, कुछ और सामान है वो भी ले लें। चलो अभी ना स्कूबी के लिए बेल्ट लेने आए हैं। फादर इसको पहना नहीं सकते, मुश्किल है ये पहनाना ना, दिखाना ये वाला बेल्ट लिया है गले का। गाइस, मैंने एक रेसिपी बनाई है किमची नूडल्स की, किमची स्पाइसी नूडल्स, ठंडे वाले जो होते हैं ना, कोल्ड नूडल्स, तो उसकी रेसिपी है ना आपको मिल जाएगी मेरे कुकिंग चैनल में। और घर वालों को मैं टेस्ट करा रही हूँ, तो देखते हैं उनको पसंद आते कि नहीं आते। मुझे तो बहुत पसंद आए, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही बनाए जैसे एग्जैक्टली होते हैं। तो आप लोग भी मेरे कुकिंग चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, कोरियन रेसिपीज बना रही हूँ आजकल मैं। और चलो लेट्स गो डाउन, चलो देखते हैं। तो ये वो नूडल्स जो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। इमोन कैसा है? आ चिंचा माचिंचा राधा भाई, वेरी टेस्टी, डिफरेंट फ्रॉम আমাদের এখানে অনেক বেশি ডিফারেন্ট। ডিফারেন্ট না? ডিফারেন্ট। এমা খুব আচ্ছা লাগা? আচ্ছা লাগা, বহুত আচ্ছা। माँ तो अभी तक किचन में ही है, माँ ने टेस्ट किया ही नहीं, नूडल्स खा भी लिया। अभी माँ है तो उनसे पूछते हैं कैसा है, माँ से चलो पूछते हैं कैसा है। माँ भलो लग से? खूब भलो है से। हाँ डिफरेंट है से ना? चलो सब इंजॉय कर रहे हैं, अभी हम ना कॉफी भी पी रहे हैं, अभी उसके बाद ना हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे ना। तो गाइज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग। तो ये वाली जो जैकेट है वो मैं लेके आई हूँ, जिसका ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ये वाली जैकेट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फाइनली मुझे एक मिल गई, बहुत ही स्टाइलिश, इसके हाथ जो है वो बहुत लूज है ऐसे, और ये दिखने में कुछ ऐसी है। गर्म भी होगी, तो मैं सोच रही हूँ ट्रिप पे ना ये वाली लेके जाऊँ। इवन ये वाली लेके जाऊँ अच्छी होगी, स्पेशली ट्रिप के लिए ही तो लेके आई हूँ। कैसी लग रही है पता नहीं, हुडी
आओ, क्यूटी लग रही है। जहाँ जा रही हूँ ना उधर ठंड होगी, तो यस ये वाली ठीक है। और एक और चीज़ लेके आई हूँ, मैं दो लेके आई हूँ, क्या पता एक पसंद ना आए तो दूसरा ये पहन लो ऐसे। तो दूसरा है ये सेम स्टाइल ऐसे सॉफ्ट वाला, और उसका और इसका दोनों का डिफरेंट स्टाइल है। वो बहुत ही वो लूज उसके हाथ है, लेकिन ये वाली जो है टाइट है। और वो ऐसी लग रही है। तो कैसी है इमन, ये वाली अच्छी है वो वाली? चलो अभी चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जाएगा एक ये वाला लगेज, जिसके अंदर जाएगा पूरा लैपटॉप्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या जाएगा इसके अंदर, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। क्योंकि हमारा एडिटिंग वगैरह है ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, डेली करना ही पड़ेगा। डेली व्लॉगिंग का चैलेंज है, तो डेली ही अपलोड करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए लैपटॉप दो लैपटॉप लेने पड़ेंगे, और कैमराज दो लेने पड़ेंगे, मल्टीप्लग वगैरह पता नहीं क्या क्या, मल्टीप्लग भी लेना पड़ेगा एक शायद। और ये वाला बैग है जिसमें मेरी मन डालेगी हमारे कपड़े, और ये बहुत हैवी है। अभी इसमें और भी सामान जाना है यार, जूते वूते जाने हैं, मेकअप जाना है, ये जैकेट जाना है। ये तो ऑलरेडी फुल है, लेकिन क्या करें इतना बड़ा तो कुछ नहीं ले सकते ना। तो फिलहाल हम कोशिश करें इसमें इसमें ही एडजस्ट करें। तो ये बैग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया फिट। इसमें बस मुझे डालना है हेयर स्ट्रेटनर, और मेरे कॉस्मेटिक जाएंगे, और जूते। इधर जगह है कोई नहीं ना, दवा दवा के डालेंगे। और इसमें तो बाद में सेटिंग करेंगे। और कॉस्मेटिक्स में मैं ना अपने ये वाले जो डेली यूज़ के कॉस्मेटिक्स है वो सारे ही लेके जा रही हूँ। दो सिर्फ लिपस्टिक ली है, मस्कारा लिया है, आईब्रो पेंसिल, लाइनर, और ये है आई शेडो। वो इतना ही बस मेकअप इनफ है मेरे लिए। और ये वाइप्स लूँगी और ये ब्रश लूँगी, दैट्स इट, सब डन हो गया। ये भी लेके जाऊँगी, कल पूरे बाल में स्ट्रेट करूँगी इतने दिनों के बाद। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। अभी जो है ना इमोन एडिट करेगा, और फाइनली जो मेरी पैकिंग्स है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस मुझे क्या करना है, आईब्रोज वगैरह सेट करने हैं, और फिर मैं नहा के आऊँगी रात के टाइम। इमोन कह रहे हैं नहीं नहाओ कल नहाओ, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं होगा नहाने का। गर्म पानी में नहाऊंगी, अभी नहाऊंगी तो कल मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट होंगे। कल सुबह नहाऊंगी और बाल स्ट्रेट करूंगी तो मेरे बाल जल्दी से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। देखती हूँ क्या करूँ, पता नहीं। तो बाल क्योंकि मैं स्ट्रेट करूंगी, और ये इस सफर के बाद मेरे बाल कट जाएंगे पूरे, टकला स्टाइल आएगा तो मेरे बाल पूरे कट जाएंगे। तो ये जो सफर होगा ना, इसमें आपको मेरे बाल दिखेंगे बड़े बड़े, क्योंकि बहुत टाइम से तो मैं इसे बांध के रखा है, तो आपको आइडिया नहीं है मेरे बाल कितने बड़े हो गए। इतना भी नहीं है, बड़े हैं, तुम्हें भी नहीं पता कितने बड़े हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े बाल जो होते हैं वो थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही सीधा करो देखना, कल ऐसा स्टाइल मारूंगी ना सीधे बाल करके ऐसे। और ये जो है ना सामान देखो मैंने निकल के रख दिया, कल मुझे क्या क्या लेना है। और बस व्लॉग इज अबाउट टू एंड टुडे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़, बाय बाय। टुमारो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बाय मैगी। That's where you do.